नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। तस्वीरें दिखा रहे हैं रैली स्थल से, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल की आगामी रैली को लेकर जो तैयारियां हैं वो 80% पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे हैं ADGP श्रीकांत जाघव हैं। वो जायजा लेने पहुंचे हैं कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना रह जाए, किसी प्रकार की कोई अनगहली है वो ना छूटे, चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है वो तैनात है, सुरक्षा को पूरे मद्दे जो नज़र है वो रखा गया है। और जो BJP नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा जी, उनके कहने के अनुसार 80% जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और एक इस रैली को एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा, ये भी उनका कहना है। और ADGP श्रीकांत जाघव फिलहाल जांच कर रहे हैं, सुरक्षा के मद्दे नज़रों को देख रहे हैं। रैली स्थल से सीधी लाइव तस्वीरें। रैली को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए? बहुत पुख्ता इंतज़ाम है, बहुत पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पैरामिलिट्री भी यहाँ डिप्लॉयड है और पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। वी आर वेरी अलर्ट एंड एवरी लिटिल थिंग, एवरी कॉर्नर वी हैव कवर्ड एंड द प्रिपरेशंस फॉर द रैली आर वेरी सॉलिड एंड कंप्लीट। सर, कितने IPS अधिकारी ड्यूटी देंगे सर? उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस टोटल बुलाई गई हैं? सी द डिटेल्स आई डोंट हैव टू शेयर, यू नो, बट वी हैव सफिशिएंट नंबर्स ऑफ IPS ऑफिसर्स हमारे हैं, 15-20 ऑफिसर्स जो है, बहुत सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और RAF की हमारी कंपनीज है और हरियाणा पुलिस की जो बल है वो भी पर्याप्त मात्रा में। दिस इज पार्ट ऑफ द रिहर्सल एंड वील हैव अनदर इन द इवनिंग। सर, पंचों ने विरोध का ऐलान किया हुआ, सर कैसे फ्लोटिंग? अब कोई विरोध हम इतना सुनिश्चित करेंगे कि माननीय गृह मंत्री की जो रैली है वो निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के हम पुलिस सक्षम है, बहुत पीसफुली इसको हैंडल करेंगे और बहुत पीसफुली इसको हम करवाएंगे।